नमस्कार मु सुनीता ओडिया एजुकेशन पॉइंट चैनल ले आपन समस्त को स्वागत करुचे। तो आज टॉपिक होची गच्छरे न चढ़ी गच्छर उच्चता किपरी मापिबा। तो आपण माने निश्चित भाव चिंता करुथिबे जे एटा कोन नुआ कथा ना। तो आपण माने कहिबे जे गच्छ उपरे चढ़िकी किंबा से गच्छ उपरे चढ़िकी फिता पकेकी आमे गच्छर उच्चता मापि परिबा जे गच्छर उच्चता केते फुट बा केते मीटर बोली ना। तो आपण माने एहा ही निश्चित भाव चिंता करुथिबे तेबे सबु गच्छरे तो चढ़िबा संभव नुहे। तो जदिओ आमे गच्छरे चढ़िबा तेबे गच्छर पूरा अग्रभाग पर्यंत आमे चढ़िकी गच्छर उच्चता मापि परिबा नाही किंबा एहा संभव मध्य नुहे। केवल माकड़ माने ही देखिथिबे केमती पूरा गच्छर अग्रभाग पर्यंत डेंकी जाई परंती किंतु आमे तो सेभळिया गच्छरे चढ़िकी पूरा अग्रभाग पर्यंत पहुँची पारानी। किंतु आपण को गच्छर पूरा मूलरु बा माटी पाखरु पूरा अग्रभाग पर्यंत उच्चता केते ताहा मापिबार अछि। तेबे एहा किपरि मापि परिबा तो आज ए भिडियो रे मु आपण मानकु एहार उपाय कहिबि। तो आपण माने गच्छ उपरे न चढ़ि मध्य किपरि गच्छर उच्चता मापि परिबे आपण माने तळे रहिकी ही एहार बा गच्छर उच्चता मापि परिबे। केवल गच्छर उच्चता नुहे आपण माने चाहिले बड़ बड़ बिल्डिंग किंबा बड़ बड़ जो खुंट गुड़ाकर उच्चता मध्य ए उपाय माध्यम रे आपण माने मापि परिबे। तो चलंतु देखिनेबा। तो ये देखि पछंती गोटे गच्छ रहिछि ना। तो गच्छ जेहेतु रहिछि आपण माने निश्चित भाव दिन समय रे जदि मापुछंती तो निश्चित भाव सूर्य बाहरिथिबे। तो सूर्य बाहरिथिले कोन होबो निश्चित भाव जे कौनसी वस्तु सामने पड़े तार कौन हुए छाय सृष्टि होता है। तो जेहेतु गच्छ रही गच्छर मध्य कौन छाई पड़ी थाए आपण माने देखिथिबे जे कौनसी वस्तुर कौन सूर्य सामने आमर मध्य छाई पड़ी थाए से भाई गच्छर मध्य छाई पड़ब। तो छाईटा किपर पड़ब ना देखु आमर यहाँ हूँ मट्टी ना। तो गच्छर मूल जो रही ये आम गार सीधा टाणीदे यहाँ हूँ माटी बा आमर जो भूमि रहिला तापरे गच्छर अग्रभाग यहाँ हूँ तार अग्रभाग। तो आमे कौन करवा ये मूलर गच्छर मूलर अग्रभाग पर्यंत उच्चता माप करवा ना। तो आमे कौन करवा गच्छर छाई देखा कौटी पड़ी। तो सूर्य किरण एटी सूर्य रही मैंने सूर्य किरण पड़ी गच्छरे तो तार छाई पड़ब केमती पड़ब निश्चित भाव सूर्य पाखे अच्छा मानने छाई मध्य तेछा भाव निश्चित भाव पड़ब। तो यही छाईटा पड़ब है तो छाईटा निश्चित भाव आम कौन करवा ना पूरा लास्ट है गच्छर छाई जो पूरा लास्ट तार पड़ थे पॉइंटा को धरवा। तो ये पाईगले आम धरा जाऊ आम कौन करवा धरा जाऊ ये गच्छर गोटे उच्चता नहीं जावा गच्छर उच्चता को आम ये एक्स बोली ने। तो धरा जाऊ पुणी कौन करवा ना यहाँ हूँ ए पॉइंट आउ जो भूमि ऊपरटा हूँ बी पॉइंट आउ जो छाई रहा यहाँ गोटे आम त्रिभुज भाया पाइले कि ना यहाँ हूँ सी पॉइंट। तो यहाँ रही पूरा भितरटा कौन यहाँ हूँ आमर छाई रही ना पूरा यहाँ हूँ छाई पड़ी। तो आम ये तीन टा पॉइंट पाइले तो ये ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट। तो यहाँ गोटे त्रिभुज आकृति हो गला। तो आम अति सहजरे बी रु सी पर्यंत मापि पारिबा कि नाही तो यू निश्चित भाव मापि पारिबा जे बी पाखरु सी रो दूरता केते फुट बा केते मीटर धरा जाऊ। तो यार दूरता केते 64 फुट धरा जाऊ हला धरा जाऊ गोटे अनुमानिक माप नहीं। तो यार केते हला दूरता हूँ 64 फुट। तो से भाया आम कौन करवा किछि दूर रे ठीक यही भूमि समान रे तो आ गोटे खुंट पोती देवा धरा जाऊ मुठ गोटे 6 फुट। तो 6 फुट उच्चतार गोटे खुंट नेली तो खुंट को ये पता है गच्छ पाखु किसी दूर रे। तो ये गोटे खुंट जो खरा बाजु थो तो ये जो मुझे खुंट पोती नेली तो यार उच्चता मुठ 6 फुट धरी। तो ये आम के धरीचे गच्छर उच्चता एक्स धरीचे कौन पर आम यार उच्चता जानू तो यार उच्चता आम एक्स धरीचु से ही समय रे कौन ना ये गोटे खुंट पोता है तो यार उच्चता हूँ 6। तो जेहेतु खरा पड़ी तो ये खुंटर ये जो आम खुंट पोतीचु ये खुंटर मध्य छाई पड़ब ना। तो ये जो छाई पड़ब से मध्य पड़ब। तो ये देखूँ ये आम
कौन गोटे त्रिभुज आकृति पाईगले ना तो ये आम मापी पार यो रहा आमर ये धर जाऊ कौन पी क्यू आर नहीं गले ना तो ये तेल एटा कौन एटा हूँ छाई एटा हूँ गोटे ये कौन सृष्टि है ना यहाँ हूँ पूराटा हूँ आम छाई जगटा तो यहाँ हूँ आमर कौन ये देखो क्यू आर मैंने खुंट पाखर ये जो खुंटर अग्रभागर छाई ये पड़ी तो आम या मापी ना तो मापी देवा तो देखा केते तार केते फुट होची किंबा केते मीटर जहाँ भी हो आम धर जो ये आठ फुट बाहर तो आम या आठ फुट माप कले तो ये कौन करवा देखु तो यहाँ पाईगले देखु गछर कौन मूल ठारू तार छाई पर्यंत दूरता हूँ ये सी पर्यंत 64 फुट आउ ए खुंटर जो क्यू पाखर आर पर्यंत जो खुंटर तार अग्रभागर छाई पर्यंत दूरता हूँ 8 फुट तेब आम जितेबले भी ये माप करवा यो गु तार जो छाई पर्यंत दूरता को मापिले आउ ए खुंटर यो छाई जो खुंटर अग्रभाग पर्यंत जो छाई तार दूरता मापिले तो ये कमटा को आमको कौन करने पड़ ना फटाफट करने पड़ कौन पर आपड़ मैंने जानते जे आम पृथ्वी जेहेतु घूरू तो कौन से जदि 5 मिनिट कि 10 मिनिट भी लेट हो सूर्य कौन ना टे आगे पलैसवे ना जेहेतु पृथ्वी घूरू आगे पलैसले छाई एपट सेपट हो जापे से सामान समय गछर छाईर माने दूरता जितक पर्यटन पड़ू तो से समान समय रे ए खुंटर मध्य आमे तार जो छाई रप को आम ने तो तेब जा ठीक भाव तार माप बाहरी पार तो ये आम कौन करवा देखु तो ये आम कौन करवा देखु ना ये टी गणितिक सूत्र प्रयोग करवा आम टे अनुपात करवा अनुपात कौन करवा ना ये जो गछर उच्चता दे गछर उच्चता आम ये के एक्स नहींचु तो ये आम एक्स लिखीदे एटी विभक्त केते लिखा बा जो विभक्त केते लिखा ए बी सी बी सी दैर्घ्य केते ना 64 फुट ना तो समान केते करिबा ना ए जो खुंटर उच्चता हला जेहेतु आम गोटे समान समय रे नेइचु ए जो गछर उच्चता और खुंटर उच्चता जो बाहर करूचु तो ये कौन कर पारिबा जे पी क्यू पी क्यूटा केते आमर 6 फुट नहींचु आम ये आप 6 फुट जगह आप 5 फुट कि 4 फुट जेकोसी गोटे खुंटर नहीं पारे तो ये आम 6 फुट नहींचु तो ए बी सांगे आम ये पी क्यू को नहींचु ना तो एक्स विभक्त 64 है तो ये आम कौन करवा पी क्यूटा हूँ 6 फुट ये विभक्त केते ना क्यू आर आम जो ये बी सी नहींचु ये क्यू आर ने क्यू आरटा के 8 तो आम गोटे अनुपात नहीं गले तो ये आम कौन करवा देखु तो आमे अनुपात पूरा समान नहीं गलु ना जेहेतु सूर्य कौन गोटे समय रे गछर छाई जेते लंब पड़ी आई खुंटर छाई जेते लंब पड़ी आमे अनुपात करी गले तो ये आमे कौन करवा ना आमे या देखता आपण मैंने चाहिए जानी थे केमती कटा छटा करा जाए तो आपण मैंने डायरेक्ट काटिपारे ना कौन एभलिया एट एक्स गुणन करेंगे यहाँ यार सागर गुणन करेंगे आउ एक्स को एट सागर इंटू करी ना सीधा आम 8 को कैसे करवा 8^64 हो ना 8^64 तो यहाँ के एक्स सामान के 848 ताल एक्सटा के 48 फुट तो जो समय आम तो ये खुंटर उच्चता जाचु ना ये खुंटर उच्चता जाचु एवं तार छाईर दूरता मध्य खुंट पाखर केते जाचु तो से अनुपात आम गछर उच्चता को मापी पार तो ये आमर ताल बाहरी गला केते एक्स हूँ 48 फुट तेब ये आम तेल एक्स रान पाईलु ना 48 फुट तो ये आमर गछर उच्चता आम एक्स धरीचु तो एक्स रे मूल्य पाईले 48 फुट बा गछर उच्चता हूँ 48 फुट जदि आप तार कौन भूमि पाखर जो छाईर दूरता आप मीटर में नहीं थे तेल तार उच्चता मध्य मीटर रे बाहर करेंगे तो यही आपणसी बिल्डिंग बड़ बड़ बिल्डिंग हो कि बड़ बड़ खुंट हो से गुड़ाकर उच्चता मध्य माने अति सरल उपाय माने बाहर करेंगे तो से भाया आपण मैंने ये गछर जमी आम उच्चता बाहर कले बिल्डिंग जदि बड़ अच्छी तो बड़ बिल्डिंग तो से भाया यहाँ गोटे 4 फुट कि 5 फुट 6 फुट हो गए खुंट नहीं कि गोटे समय
ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେଇ କ'ଣ ନା ବିଲ୍ଡିଂର ଉଚ୍ଚତା ତାର ଛାଇ କେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି ତାର କ'ଣ ଏହାକୁ ଏକ୍ସ ଧରିକି ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିଦେଲେ ସେଭଳିଆ ଖୁଣ୍ଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିକି ତାର ଛାଇର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ମାପିଦେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିକି କ'ଣ ଅନୁପାତ ନେଇକି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିକି ତାର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ବା ବିଲ୍ଡିଂର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଅତି ସରଳ ଉପାୟରେ ଆମେମାନେ ବାହାର କରିପାରିବା। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଉପାୟ ବା ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଗଛର କିମ୍ବା ଖୁଣ୍ଟର ଉଚ୍ଚତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତେବେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you.